सद्गुरु, इंट्रोस्पेक्शन या आत्मचिंतन कर करके मैंने बहुत सारे तार्किक निष्कर्ष बना लिए हैं, पर मुझे ये कैसे पता लगेगा कि कब ये इंट्रोस्पेक्शन मुझे जरूरत से ज्यादा सोचने की ओर लेकर जा रहे हैं? मैं खुद को जरूरत से ज्यादा सोचने से कैसे रोकूं? क्योंकि कई बार इससे काम टालने की आदत पड़ जाती है। ओ, ये सवाल पॉपुलर है। देखिए, मान लीजिए आप ड्राइव कर रही हैं और सामने विंडशील्ड में देखने के बजाय आप पीछे वाले शीशे में देखकर गाड़ी चलाएं, पीछे देखने वाले शीशे में, तो मुझे लगता है आपको रिवर्स गियर में होना चाहिए, ना कि टॉप गियर में। हेलो, तो ये सारी इंट्रोस्पेक्शन वाली बकवासें हैं, आपको अंग्रेजों से मिली हैं, वो इसे लेकर आए थे। इस देश में हम इंट्रोस्पेक्शन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि देखिए आप अपनी ही बकवास को समझने की कोशिश कर रही हैं। ये ऐसे काम नहीं करने वाला। अगर आप इससे एक दूरी बनाकर रखें तो आप साफ जान लेंगे कि ये क्या है। आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा है। मान लीजिए आज रात आपको दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेनी है, आपको जाना है, तो आपका फ्लाइट टाइम नजदीक आ रहा है पर एक बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आपको ट्रैफिक जाम कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, भले ही आप अपनी सपनों वाली गाड़ी में बैठी हो, ठीक है ना। अब जैसे तैसे आप एयरपोर्ट पहुंची, प्लेन में बैठी और वो उड़ गया। अब आप ऊपर पहुंचे और फिर आपने नीचे देखा, अब भी जाम लगा था। अब ये कितना सुंदर लग रहा है, सफेद और लाल रोशनियों की लड़ियों जैसा। ये सच में सुंदर होता है, आपने इसे देखा है? हाँ, हुआ बस इतना है कि थोड़ी सी दूरी हो गई है ना। एक बार अगर थोड़ी सी दूरी बन जाए, अब ये समस्या नहीं होती। आपको पता है कि इसे कैसे संभालना है। और बड़े बड़े एहसास ऐसे ही होते हैं। देखिए, अभी भी मैं जानता हूं आप एक इंजीनियर हैं, पर अगर मैं आपको इस स्टेज पर इधर से उधर चलने को कहूं और कहूं कि पता लगाइए कि यह धरती गोल है या चपटी, आपका अनुभव क्या कहता है? चपटी है, चपटी है ना, चपटी है। ये बहस और हजार सालों तक चलती रहती, ये खत्म हो गई क्योंकि हम महासागरों को पार करने लगे, तब हम देख पाए ये गोल जैसी लग रही है। फिर हमने उड़ना शुरू किया और आकार साफ नजर आने लगा। फिर हम गए और चांद पर जाकर खड़े हो गए और नीचे देखा, अब ये 100% स्पष्ट था। ये कितनी आसान सी चीज थी, लेकिन हम नहीं देख पा रहे थे जब तक हम धरती पर चल रहे थे, है ना। ये वही बात है, आपके मन की प्रकृति, आपके जीवन के इन उपकरणों की प्रकृति, जिसे हम शरीर और मन कहते हैं। योग में हम शरीर और मन नहीं कहते, एक भौतिक शरीर है और एक मानसिक शरीर है। क्योंकि मन केवल दुर्भाग्य से यूरोपियन आइडिया है कि मन यहां बैठा हुआ है, नहीं। Essentially, you call something mind because there's a certain volume of intelligence and memory. That's what you're calling as mind, isn't it? असल में आप किसी चीज़ को मन कहते हैं क्योंकि उसमें एक खास मात्रा में बुद्धि और याददाश्त है, इसलिए आप उसे मन कह रहे हैं, है ना? आपको याद है कि 5 पीढ़ी पहले आपकी परदादी कैसी दिखती थी? नहीं, पर उनकी नाक आपके चेहरे पर बैठी हुई है, हाँ या ना? लाखों साल पहले आपके पूर्वज कैसे हुआ करते थे? अब तक आपकी त्वचा की कोशिकाओं को यह याद है कि उनकी त्वचा का रंग कैसा था, हाँ या ना? तो आपके शरीर की हर कोशिका में उससे अरबों गुना ज्यादा यादें हैं जितनी आपके दिमाग में संभालने की क्षमता है, हाँ या ना? अभी हम सबसे जटिल केमिकल फैक्ट्री की बात कर रहे थे। अगर आप देखें कि डीएनए का एक मॉलिक्यूल 1 मिनट में जितने काम कर रहा है, इस धरती के सारे कारखाने मिलकर नहीं कर सकते, इस दुनिया के सारे कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स उतने काम नहीं कर सकते, ये इस तरह से काम कर रहा है। तो अगर बुद्धि और याददाश्त दोनों की बात की जाए तो ये सारे सिस्टम में फैला हुआ है ना, हाँ या ना? कम से कम आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हर जगह फैला हुआ है, ये तो आप देख सकते हैं। तो मन एक जगह नहीं होता, मन का एक शरीर होता है, यादों का एक शरीर होता है, भौतिकता का एक शरीर होता है, ऊर्जा का एक शरीर होता है। तो अगर आप जिसे मैं कहते हैं बस उसके एक हिस्से को देखें और लगातार उसके साथ ही खेलते रहें, अगर आपको नहीं पता कि बाकी चीजों को कैसे चलाया जाए, वो चीजें बस यूं ही तुक्के से काम कर रही हैं। ये कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई गाड़ी तो चला रहा है लेकिन हैंड ब्रेक लगा हुआ है,
बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, उन्हें लगता है थ्रॉटल दबाते जाओ ये चलती रहेगी। नहीं, इसमें आग लग सकती है, कार में आग पकड़ सकती है अगर आप ब्रेक चालू हो तो, है ना। अभी ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं क्योंकि वो किसी स्कूल या कॉलेज में आ गए हैं और अब उनमें थोड़ी सी तार्किक बुद्धि आ गई है और वो भी हर तरह की बाहरी जानकारियों से, और उससे वो ये हर तरह के काम कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, कौन किस पर आत्मचिंतन कर रहा है? ये सारे के सारे पश्चिमी विचार हैं जिन्होंने इंसानियत को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, बहुत ही ज्यादा। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उन जानकारियों का एक नतीजा है जिन्हें आपने इकट्ठा किया है और आप उन्हें कैसे प्रोसेस करते हैं, यह है ना। अगर आप उसे थोड़ा सा दूर रख दें तो इसका आप पर कोई असर नहीं होगा। जब आपको जरूरत है उसका इस्तेमाल कीजिए, जब जरूरत नहीं है आपको उसे अलग रख देना चाहिए। पर फिलहाल लोगों को ऐसा लगता है कि वो हर समय सोचते रहते हैं, जिसे आप इंट्रोस्पेक्शन कह रही हैं। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं आपका किसी तरह से मजाक उड़ा रहा हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये आप जानती हैं। ये एक तरह की मानसिक दस्त है, ये बस चलती ही जा रही है। आप इसे हर तरह के नाम दे रहे हैं पर असल में देखिए, सोचना मतलब आप जागरूकता में अपनी विचार प्रक्रिया को एक निश्चित दिशा में ले जाना चाहती हैं, उसे सोचना कहते हैं। अगर ये हर समय चलती रहती है तो इसे दस्त कहते हैं, है ना। तो आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए, क्या ये एक जागरूक प्रक्रिया है या ये बस ऐसे ही बेकाबू भाग रही है, ये बहुत जरूरी है। तो आत्मचिंतन का मतलब है पीछे की ओर देखने वाला जीवन का शीशा। आज आप एक युवा लड़की हैं, लेकिन अगर आप आत्मचिंतन या इंट्रोस्पेक्शन करेंगी तो आपको अभी से लगेगा कि आप बहुत जी गई हैं। हाँ, सबसे बड़ी समझदारी की बात लोग ये सोचते हैं, शेक्सपियर ने निकाला था, मैं रहूं या ना रहूं। ये सवाल सबसे ज्यादा बुद्धिमानी भरा सवाल समझा जाता है। मुझे बताइएगा, अगर आप आनंद में होते, आप सोचते कि मैं रहूं या ना रहूं? केवल अगर आप दुखी हों तो, केवल तब जब आप जीवन को बोझ समझ रहे हों तभी आप ये सोचेंगे कि मैं रहूं या ना रहूं, है ना। तो कई मायनों में आपका आत्मचिंतन, चाहे आप ये थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हों या ज्यादा ज्यादा, ये दिमागी बीमारियों की बुनियाद है, क्योंकि आप उस कचरे के डिब्बे में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसको आप अपना मन कहते हैं। वहां है क्या? केवल वही जो आप में पांच इंद्रियों के माध्यम से आया है और कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं, अभी आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बनने वाली हैं, राइट? बन चुकी हैं। बनने वाली हूं। ओके। क्या आपका कंप्यूटर उसमें डाली गई जानकारी के आगे कुछ भी कर पाता है? ऐसा ही आपके मन के साथ भी है। ये शरीर एक गणना की प्रक्रिया है, शायद उन कंप्यूटर से कहीं ज्यादा जटिल जिन्हें आप चला रहे हैं, पर असल में ये एक गणना करने वाला काम ही है, बिना जानकारी के ये काम नहीं करता। तो अगर आपको जानकारी पता है, आपने ही ये सॉफ्टवेयर लिखा है, आपको इसका डेटा पता है, तो आपको पता होगा कि ये क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो उसमें आत्मचिंतन क्या करना है? तो क्या मैं ज्यादा सोच रही हूं या आत्मचिंतन कर रही हूं? दोनों की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को देखने के लिए और स्पष्टता की जरूरत है। अगर आप किसी चीज को देखें, उसे उतनी ही स्पष्टता से देख सकें जैसी वो सच में है, तब किसी चीज के लिए आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है। एक बार फिर मैं आपको ये याद दिला रहा हूं, अभी आप युवा हैं, पर ये चलेगा ना। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बच्ची हैं, मैं कह रहा हूं अभी आप एक युवा लड़की हैं। वैसे मेरी नजर में आप एक बच्ची हैं। तो मैं बस आपको ये बता रहा हूं। देखिए, किसी की जिंदगी कितनी लंबी है, ये अगर आपके अनुभव के संदर्भ में बात करें तो, ना कि आपकी उम्र के, आपने कभी इस पर गौर किया है? किसी एक दिन जब आप बड़ी खुश होती हैं, 24 घंटे एक पल जैसे निकल जाते हैं, ऐसा होता है ना। किसी और दिन आप थोड़े निराश हैं, 24 घंटे हजार साल जैसे लगते हैं। हाँ, तो सिर्फ दुखी लोग लंबी जिंदगी जीते हैं। अगर आप आनंद में हैं तो ये पूरी हो जाती है इससे पहले कि आप समझ पाए कि हो क्या रहा है, इससे पहले कि आप समझ पाए ये सब किस लिए था, अंतिम संस्कार।
हाँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे मैं परसों ही पैदा हुआ था। देखिए मुझे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं आत्मचिंतन से, नैतिकता से, मूल्यों से, विचारों से, फिलॉसफी से, धारणाओं से, रोल मॉडल्स से, इससे और उससे। नहीं, इनकी जरूरत नहीं है। होना ये चाहिए कि ये जीवन उमंग से भरा हो, ये अपनी सर्वोच्च संभावना तक पहुंचे, ये चमक उठे। अगर आप हर वक्त चमकते रहें तो शारीरिक रूप से आप बढ़िया रहेंगे, आपकी प्रतिभा खिल उठेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और क्या दुनिया में भी ऐसा होगा? नहीं, दुनिया कभी भी 100% वैसी नहीं चलेगी जैसी आप चाहते हैं कि चले। क्योंकि आप तीनों युवा हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, और यहां बहुत से युवा हैं, मैं आप सभी को ये बता रहा हूं, क्योंकि आप में बहुतों ने ये सपना संजो रखा होगा कि आपको एक आदर्श इंसान मिल जाएगा, आपके जीवन में एक परफेक्ट इंसान, लड़का या लड़की, जो भी। मैं आपके रोमांस को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना बता रहा हूं कि आपको बड़ी गहरी निराशा होगी, क्योंकि यहां कई लोग कह रहे हैं कि वो मथुरा से हैं। कृष्ण सबसे अद्भुत पुरुष, उनकी पत्नियां हमेशा शिकायत करती रहती थीं। इसलिए नहीं कि उनमें कुछ गलत था, क्योंकि इस सृष्टि की प्रकृति ही ऐसी है कि दुनिया में कोई भी ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा कि आप चाहते हैं, हाँ या ना? तो एक ऑप्शन है ये एक व्यक्ति, आप इस व्यक्ति को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आप ये एक चीज कर लें तो इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है, आपको बस इतना ही करना है। आप एक इंजीनियर हैं, आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग करनी चाहिए, इनर इंजीनियरिंग, ताकि ये वाला बिल्कुल वैसा काम करे जैसा आप चाहते हैं। दुनिया के लिए हम अपना बेस्ट करेंगे।